अच्छा तो नादिया क्या एक्टिविटी हम इन्हें कहते हैं शुरू करते हैं, हम चलते हैं उस तरफ। चलें जनाब, हम इस तरफ आने लगे और ये एक्टिविटी हम शुरू कराएंगे। नादिया आप इस तरफ आ जाएं ताकि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगी और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पीछे पेशेंट क्योंकि ये हमें थोड़ी सी इसमें हेल्प चाहिए। अच्छा जी, क्या है ये? अब ये देखे ना, ये जो पेशेंट है तकरीबन ये 50 एंड अबव की है और आप देख सकते हैं कि इनकी ये लाइनें, ये लाफ लाइंस और ये इनकी जो क्रो लाइंस जिसको कहते हैं इस प्रीटी मच, और इनकी जो स्किन है वो बेसिकली थोड़ी सी लूज हो चुकी है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, मिस रूबी जो है इसको मार्क करेंगी, ठीक है? हम इस स्किन को टारगेट करेंगे बस हाफ साइड, फिर उसको आपको बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट दिखाएंगे। सही है। सो अभी जो मिस रूबी हैं वो इस पे जेल अप्लाई करेंगी, ठीक है? उसके बाद शी इज गोना स्टार्ट, और एज आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर इसने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है कि क्या करना है और कितनी लाइंस करनी है। बेसिकली ये यहाँ पे हमारा जो काउंटर है ये बताएगा आपको कितनी लाइंस मिस रूबी ने टैकल करी हैं, ठीक है? तो यूजुअली चेहरे की जो होती हैं तकरीबन एक ट्रीट में 600 लाइंस होती हैं जिसको आप टैकल करते हैं वेरी स्लोली। ओके, एंड इट्स वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। आप ये कह सकते हैं यू हैव टू ओवरलैप इट, ओके? यू कैंट मिस इट। और इट्स अ टिप फॉर द पब्लिक, जब भी आप जाके हाईफू करवाएं ना, आपको एक हल्की सी पिंच फील होगी, मेक श्योर वो आपको पिंच फील हो रही है। अगर नहीं हो रही तो अपने स्टाफ को कहें कि प्लीज़ इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करें, क्योंकि तभी आपको जाके उसका अफेक्ट महसूस होता है। कुछ लोग ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ कम, लेकिन हम ऑलवेज उस लेवल से शुरू करते हैं कि ना तो आपको रेडनेस हो और ना आपकी स्किन ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये क्या करता है, इट डीप पेनिट्रेट्स, जो सेल्स डेड हो जाती हैं, फैट टिश्यू बिल्ड होता है, उसको सारा कंसंट्रेट करता है एंड ब्रिंग्स इट अप टू द स्किन। लवली, लवली। और इसके साथ हम हाइड्रोफेशियल भी करने वाले हैं। इधर हमारे पास आप इस तरफ से आ जाए नादिया ताकि हमारे देखने वालों को भी अंदाजा हो जाए। ओके, परफेक्ट। ओके, चलें जी। इधर जो है हमारी एक और पेशेंट है, शी इज यंग, शी इज प्राइमली इन हर मिड 20s। ओके, तो ये जो है मैं रेकमेंड करूंगी फॉर टीनेजर्स और स्टूडेंट्स जो उनसे कॉलेज जा रहे हैं, डेली मट्टी एंड एवरीथिंग, ठीक है? और उन्हें कुछ नहीं करवाया। ये जो सारे कहते हैं भाई यूज पॉलिशर्स ऑन योर फेस, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। ओके, तो व्हाट वी आर गोना डू, इसमें हमने विटामिन सी का सीरम डाला हुआ है, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे भी ब्लैक हेड्स है, स्किन जो है डिसकलरेटेड है और इसमें वो ग्लो नहीं है जो होनी चाहिए तो हमारी मशीन में देयर आर 7 स्टेप्स, ओके, जो पूरे मशीन को अप्लाई करता है। इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स, लेकिन हम लोग इसको एज ए प्रोसीजर हम सक्शन करेंगे जब तक हमारे पास टाइम है, और हम अगेन हाफ फेस करेंगे बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए। लवली। अच्छा, ये जो ओपन पोर्स होते हैं ये सेकेटर हो जाता है? ऑफ कोर्स, ओपन पोर्स उस वक्त होते हैं जब आप बिल्कुल अपने फेस की क्लेंजिंग नहीं करते। ब्लैक हेड्स क्यों खुलते हैं? क्योंकि हम कोई क्लेंजिंग नहीं करती, उसको हम स्किन को कोई एक्सरसाइज नहीं देते, तो वो पोर्स खुलने शुरू होते हैं। उसमें आपकी डेली मट्टी, व्हिच हम कहते हैं ब्लैक हेड, जब ये हम कर लेंगे उसके बाद हमारा सीरम है जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं। अगेन वो अब्रॉड का सीरम है, नॉट फ्रॉम हियर। ओके, परफेक्ट, ठीक है? तो सीरम जो है वो आपके वंस स्किन साफ होती है, आपके पोर्स को वो कॉम डाउन कर देता है। सही। उसके बाद हम एलईडी की फाइनल स्टेप, एलईडी का मास्क लगाते हैं फॉर 10 मिनट्स, ठीक है? एंड यू आर रेडी टू ग्लो, रेडी टू ग्लो। ओह, परफेक्ट।